है, जैसे कि अशोक जी ने बताया कि स्पीड फोर्स की ही एक सब्सिडरी ब्रांड है, स्पीड फोर्स जो कि पिछले 7 साल के टाइम स्पेन के अंदर पैन इंडिया 390 से भी ज्यादा वर्कशॉप अपने एस्टेब्लिश कर चुका है और सक्सेसफुली अपनी फ्रेंचाइजीज जो है वो रन कर रहा है। उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमने फोर व्हीलर डिटेलिंग स्टूडियो के अंदर हमने फ्रेंचाइजीज अभी स्टार्ट की है अक्रॉस इंडिया। हम लोग देख रहे हैं अभी प्रेजेंस की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर अभी 8 फ्रेंचाइजीज के साथ हम लोग अभी हमारी प्रेजेंस अवेलेबल है, और अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो नेपाल के अंदर हमारे 2 आउटलेट्स अभी अवेलेबल है। तो नॉट ओनली इन इंडिया, हम लोग जो है वो ओवरसीज भी हमारी ब्रांड को जो है वो बहुत ही जल्द इसको और ज्यादा एक्सपांड करेंगे। तो स्पीड डिटेलर के बारे में अगर हम लोग देखें कि पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान क्या होगा, कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने पास एक नोट पैड और एक पेन जरूर रखें, ताकि पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपको कहीं पे कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप जो क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा रहेगा ओपन सेशन, तो उसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस जो है वो रेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैट बॉक्स के अंदर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नाम और लोकेशन विदाउट फेल आप ड्रॉप कीजिए, ताकि वेबिनार खत्म हो जाने के बाद टीम स्पीड डिटेलर्स की तरफ से आपको कांटेक्ट किया जाए और आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग पास ऑन कर सके। मेरा नाम है मृकपाल और स्पीड डिटेलर्स के साथ एज अ फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट हेड जुड़ा हुआ हूँ। अगर हम लोग इस वेबिनार की बात करें, इस प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले स्पीड डिटेलर्स के बारे में जानेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी प्रेजेंस क्या है जैसा मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ डिटेलिंग की जरूरत क्या है, क्यों ये बिजनेस जो है वो ट्रेंड में है अभी और अच्छा खासा रेवेन्यू हमें दे रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा हमें प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, क्या बिजनेस इंटेलिजेंस है, इस इंडस्ट्री की डेप्थ क्या है, क्या हमें फ्यूचर में इसका बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ सर्विस पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग जानेंगे, सर्विस पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हमारे कस्टमर बेस है, वेदर इट इज अ टू व्हीलर कस्टमर और अ कार कस्टमर, तो उनको हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है वो हम ऑफर करते हैं हमारे कस्टमर्स को। साथ ही साथ कंपनी डिलीवरेबल्स के बारे में जानेंगे कि कंपनी के साथ जुड़ने के बाद आपको किस टाइप का सपोर्ट दिया जाता है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे और आरओआई के बारे में जानेंगे, और सबसे आखिर में हम लोग जानेंगे कि स्पीड डिटेलर्स की जो कि एक कार डिटेलिंग स्टूडियो की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, उसके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आगे हम लोग कैसे बढ़ सके। तो स्पीड डिटेलर्स के बारे में जैसा मैंने बताया कि ये वडोदरा बेस्ड कंपनी है, और प्रेजेंस की बात करें तो स्पीड डिटेलर्स के 8 फ्रेंचाइजीज हमने सक्सेसफुली मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए, जो बहुत ही सक्सेसफुली अपना बिजनेस जो है वो रन कर रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग नेपाल के अंदर अभी हमारी प्रेजेंस है 2 लोकेशंस के अंदर, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और ये एक लेगेसी बिजनेस है स्पीड फोर्स ब्रांड जो इसकी मदर फर्म है, जिसने ऑलरेडी 390 आउटलेट्स जो है वो डेवलप किए हैं अक्रॉस इंडिया। ये हमारा इंट्रोडक्शन था। साथ ही साथ नीड ऑफ डिटेलिंग देखे कि क्यों अभी डिटेलिंग की जो बिजनेस है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, क्यों अभी जो डिटेलिंग स्टूडियोज है वो इतने ज्यादा स्केल के ऊपर अभी जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि आजकल सारी गाड़ियों के अंदर मेटालिक पेंट सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मेटालिक पेंट एक ऐसा पर्टिकुलर कंपाउंड है जहाँ पे अलग अलग एट्रीब्यूट्स की बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है, और उसी इम्पैक्ट की वजह से व्हीकल की जो ग्लॉसीनेस है, व्हीकल की जो शाइन है, ये सारी चीजें जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एसिड रेन है, एसिड रेन भी एक ऐसा इम्पैक्ट है जिसकी वजह से ओवर द पीरियड व्हीकल का पेंट जो है वो डैमेज हो सकता है, उसके ऊपर ग्लेयर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से व्हीकल की डलनेस जो है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ यूवी रेज और सनशाइन्स, ये भी व्हीकल के पेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मैनर के अंदर डैमेज करता है। साथ ही साथ वेदर इरोजन, इंडस्ट्रियल पाउडर, ट्री गम और बर्ड ड्रॉपिंग, तो ये कुछ 6-7 फैक्टर्स है, ऐसे एट्रीब्यूट्स है जिसकी वजह से व्हीकल का जो पेंट है वो ओवर द पीरियड जो है डल हो जाता है। तो उसी उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के अंदर हम लोग प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव
दोनों टाइप की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे प्रिवेंटिव केयर्स के अंदर जो नया व्हीकल होता है या जिनके व्हीकल्स की एज अभी कम होती है, उनको हम लोग इन सारे एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम लोग उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर सके। और साथ ही साथ अगर क्यूरेटिव सर्विसेज के बारे में देखें, तो जैसे किसी गाड़ी का एज ज्यादा हो गया, उसकी डलनेस ज्यादा हो चुकी है, तो उसी डलनेस को कम कर सकते हैं, उसकी जो शाइन है उसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट के अंदर हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों मैनर्स के अंदर। अब हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में देखें कि डिटेलिंग क्या है, डिटेलिंग स्टूडियो क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, मार्केट शेयर क्या है। तो सबसे पहले तो एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले कि डिटेलिंग स्टूडियो क्या होता है, तो ये गाड़ियों का एक ब्यूटी पार्लर होता है, इसको हम लोग लेमैन की लैंग्वेज के अंदर ये बोलते हैं। पर अगर हम लोग टेक्निकली देखें कि डिटेलिंग के अंदर क्या होता है, तो डिटेलिंग के अंदर मेनली जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो चार होते हैं। सबसे पहला रहता है क्लीनिंग। क्लीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारे कस्टमर्स को, जैसे वाटर वॉश है, फॉर्म वॉश है, स्टीम वॉश है। तो ये तीन डिफरेंट टाइप के वॉशिंग्स है जो हम लोग हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ ये आउटसाइड की बात होगी, अगर इनसाइड क्लीनिंग की हम लोग बात करें तो हम लोग इंटीरियर कंडीशनिंग भी हमारे कस्टमर्स को ऑफर करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हो जाता है क्लीनिंग, दूसरा हो जाता है करेक्शन। करेक्शन होता है जनरली ऐसी गाड़ियों के अंदर जिनकी गाड़ी का पेंट जो है वो डल हो चुका है, या जिनकी गाड़ी के अंदर ज्यादा ग्लेयर्स हो चुके हैं, उसकी शाइन चली गई है, तो उसी शाइन को रिवाइव करने के लिए पेंट करेक्शन की सर्विसेज हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर पेंट प्रोटेक्शन, जो हमारा तीसरा एट्रीब्यूट है, पेंट प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो ये ज्यादातर नई गाड़ियों के अंदर यूज किया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टेफ्लॉन कोटिंग है, सीरामिक कोटिंग है, ग्रेफेन कोटिंग है, पीपीएफ है, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो ये कुछ सर्विसेज है चार से पांच टाइप की जो हम लोग हमारे कस्टमर्स को एज अ प्रिवेंटिव केयर ऑफर करते हैं, जिसकी अंदर अच्छी खासी कस्टमर को लाइफ मिल जाती है पेंट प्रोटेक्शन की, और अच्छी खासी इसके अंदर वारंटी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ चौथा एट्रीब्यूट होता है रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन के अंदर मेनली दो सर्विसेज हम लोग कंसिडर करते हैं, सबसे पहला होता है हेडलाइट क्लीनिंग और दूसरा होता है विंडशील्ड ट्रीटमेंट। हेडलाइट क्लीनिंग की अगर बात करें, तो ओवर द पीरियड हमने कई बार देखा होगा कि जो हमारी हेडलाइट होती है वो येलोइश हो जाती है, राइट, और उसका कोई पर्टिकुलर सर्विस होता नहीं कि उसको हम लोग वो कर सके। तो उसी डलनेस को और उसी जो येलोनेस जो है उसको कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए पेंट ये जो है रिस्टोरेशन की सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और विंडशील्ड ट्रीटमेंट की अगर बात करें, तो कई बार हमने देखा है कि बारिश के अंदर प्रॉपर विजन ना आ पाना, रात में जब हम लोग ड्राइव करते हैं तो सामने वाले व्हीकल की हेडलाइट से जब लाइट्स आती है तो ग्लेयर्स हमारी आंखों के ऊपर सीधे पड़ते हैं, जिसकी वजह से ड्राइविबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है, और कभी कभार एक्सीडेंटल जो चांसेस है वो भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो उसी के अंदर हम लोग रिस्टोरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो डिटेलिंग के अंदर मेनली जो है वो चार एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लीनिंग, करेक्शन, प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन। ये चार सर्विसेज है जो हम मेनली हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑटोमोबाइल डिटेलिंग इंसाइट्स की बात करें कि ये कार केयर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, तो जैसा हमें पता है कि ऑटो इंडस्ट्री के अंदर इंडिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबली रैंक करता है, राइट। पॉपुलेशन की बात करें तो 7.5 करोड़ से भी ज्यादा कार कस्टमर्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर। और कार केयर इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें कि कार केयर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और उसका ग्रोथ क्या है, तो 600 करोड़ से भी बड़ी ये एनुअल जो है इसकी रेवेन्यू रहती है। अगर हम लोग नेशनल नेशनल स्केल के ऊपर देखें तो, और इसके ग्रोथ के बारे में हम लोग देखें तो 10% के एनुअल ग्रोथ के साथ ये बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है। तो आने वाले ये जो समय है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा बूम करने वाला है ये बिजनेस, और अभी काफी बड़े स्केल के ऊपर ये बिजनेस ट्रेंड भी कर रहा है। अब बाय डिटेलिंग बिजनेस, बहुत सारे पार्टिसिपेंट होंगे जिनको लगे कि डिटेलिंग बिजनेस के साथ क्यों जुड़ा जाए। तो सबसे पहला तो स्पीड डिटेलर्स के साथ आप जुड़ के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों मैनर के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो अगर आप कंपनी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, तो आप 12 महीने से कम समय के अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर कर सकते हैं बहुत इजीली। साथ ही साथ ग्लोबल इंडस्ट्री है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर चलने वाला बिजनेस नहीं है, ये ग्लोबली चलने वाला बिजनेस है। और जैसा मैंने इंडिया के बारे में बताया कि नेशन वाइड ये 600 करोड़ से भी बड़ा बिजनेस है, तो ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो 15 बिलियन डॉलर से भी बड़ा ये बिजनेस है, और एनुअली 6% के
ग्रोथ के साथ ये आगे बढ़ रहा है बिजनेस, साथ ही साथ प्रॉफिटेबल वेंचर है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं मार्जिन की बात करूं, तो 180% 180% टू 350% का इसके अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से डिटेलिंग बिजनेस के साथ आपको जुड़ना चाहिए। अगर सर्विस पोर्टफोलियो के बारे में हम लोग देखें कि क्या हम लोग हमारे कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों कस्टमर बेस को हम लोग जो है वो कन्वर्ट करते हैं हमारे डिटेलिंग स्टूडियो के ऊपर। जो कोर कस्टमर है हमारा वो कार कस्टमर है, तो कार कस्टमर्स को हम लोग ऑफर करते हैं पेंट, साइन और रिस्टोरेशन, जिसके अंदर सीरामिक कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग और पीपीएफ वगैरह कंसिडर हो जाता है। साथ ही साथ हेडलाइट रिस्टोरेशन, स्टीम वॉश, टायर क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन, एसी ट्रीटमेंट, एंजिन डीग्रीसिंग, इंटीरियर क्लीनिंग और कंडीशनिंग, और रेन रिपेलेंट ट्रीटमेंट। तो ये कुछ सर्विसेज है, मेजर सर्विसेज है जो हम हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज रहती है जो कस्टमर हमारे डिटेलिंग स्टूडियो के ऊपर अवेल कर सकता है। अगर टू व्हीलर कस्टमर्स की बात करें कि टू व्हीलर कस्टमर्स हमारे यहाँ पे कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ले सकता है, तो सबसे पहला तो फॉर्म वॉशिंग है, फॉर्म वॉश कस्टमर करवा सकता है। क्रोम रिस्टोरेशन की सर्विसेज हम लोग हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। पेंट प्रोटेक्शन और कोटिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग्स जो है वो हम हमारे टू व्हीलर कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जो फोर व्हीलर कस्टमर है उनके लिए रेंज बहुत ज्यादा है सर्विसेज की, और टू व्हीलर के अंदर भी हम लोग काफी सारी अच्छी रेंज के अंदर कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं। प्रोडक्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो वेरी हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस है सर्विसेज की क्वालिटी को लेके, और उसी क्वालिटी को एंश्योर करने के लिए हम लोग जो भी मटेरियल है, जितना भी प्रोडक्ट्स है, वो हम लोग इन हाउस ही सप्लाई करते हैं, ताकि आप कस्टमर को जो है वो श्योरिटी दे सके क्वालिटी के बारे में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और कार वॉशिंग, कार पॉलिशिंग पॉलिशिंग से लेके ग्रेफेन कोटिंग तक सारे मटेरियल हम लोग हमारे कस्टमर्स को, सॉरी हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं विथ वेरी अफोर्डेबल रेट। और ये जो रेंज है प्रोडक्ट की वो एक्सक्लूसिव रेंज है। ये प्रोडक्ट्स है सिर्फ और सिर्फ स्पीड डिटेलिंग के आउटलेट पे ही अवेलेबल रहते हैं, ये लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं रहते। तो ये भी एक मोनोपोली आपको मिल जाती है मार्केट के अंदर। कंपनी डिलीवरेबल्स के बारे में अगर हम लोग देखें कि स्पीड डिटेलर्स के साथ जुड़ने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलता है, तो सबसे पहला तो बिजनेस इंटेलिजेंस हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में देते हैं। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर भी है, ऐसा फ्रेंचाइजी पार्टनर भी है जिसको इस इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है, राइट, जिसके लिए इंडस्ट्री पूरी नहीं है, ऐसे भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को हम लोग बिजनेस इंटेलिजेंस के थ्रू एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी पार्टनर हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और ऑलरेडी पिछले 7-8 सालों के अंदर जितने भी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी मदर फर्म के साथ जुड़े हैं, हमें हमने ये सक्सेस रेशियो जो है वो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है मार्केट में। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से आपको ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, आपकी ट्रेनिंग, आपके मैन पावर की ट्रेनिंग हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ एक डिटेलिंग स्टूडियो के लिए जितने भी टूल्स और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो टूल्स और इक्विपमेंट हम लोग आपको देते हैं, ताकि आप आपके आपके कस्टमर्स को अच्छी और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। साथ ही साथ डिटेलिंग मटेरियल भी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपको मिल जाता है, तो आपको डिटेलिंग का मटेरियल भी जो है वो अलग से परचेज करने की, अलग से ऑर्डर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इनिशियल स्टॉक हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। एक डिटेलिंग स्टूडियो के लिए जितनी भी स्टेशनरी, मोबाइल एप्लीकेशन, डिटेलिंग स्टूडियो का सॉफ्टवेयर, ये भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपके डिटेलिंग स्टूडियो की मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग सपोर्ट भी कंपनी की तरफ से दिया जाता है, और इसी सपोर्ट के थ्रू आप मार्केट से अच्छे खासे कस्टमर को जो है वो आपके डिटेलिंग स्टूडियो के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके डिटेलिंग स्टूडियो को लुक्रेटिव दिखाने के लिए कंपनी की तरफ से इंटीरियर सुपर ग्राफिक्स और फ्रंट फेशिया भी प्रोवाइड किया जाता है, और कंपनी की तरफ से 100% मॉनिटरिंग और विजिट जो है वो किया जाता है, ताकि हम एंश्योर कर सके कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो कंपनी की एसओपी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और अगर आपको बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर कोई इश्यू आ रहा है तो हम उसे रिजोल्व कर सके। इसी वजह से कंपनी की तरफ से टाइमली ऑडिट और विजिट भी किया जाता है। तो ये कुछ सपोर्ट है जो स्पीड रिटेलर्स के साथ जुड़ने के बाद कंपनी की तरफ से आपको मिल जाते हैं।
अब हम लोग अगर आगे देखें कि इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा और उसके सामने हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को क्या आरओआई मिल जाता है, तो इन्वेस्टमेंट की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 7 लाख रुपीज हमारी फ्रेंचाइजी कॉस्ट है, और इसी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती है हमारी फ्रेंचाइजी फीस जो 75,000 रुपीज है, साथ ही साथ मशीनरीज और इक्विपमेंट के चार्जेस भी इसके अंदर कंसिडर हो जाते हैं। 2 लाख रुपए की आपको मशीनरीज, टूल्स और इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। जो रिटेनिंग स्टूडियो है उसको ल्यूक्रेटिव दिखाने के लिए जो भी सुपर इंटीरियर, सुपर ग्राफिक्स और फ्रंट फेशिया रहता है वो भी कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी कॉस्ट होती है 1 लाख रुपीज। मार्केटिंग चार्जेस इसके अंदर कंसिडर हो जाते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी की तरफ से पूरे पूरा किया जाता है, ताकि हम आपके जो सराउंडिंग एरिया में जो इतना भी कस्टमर है उस तक आपकी रीच बढ़ा सके। साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर है, यूनिफॉर्म है, मार्केटिंग मटेरियल है, जितनी भी स्टेशनरीज है उसके भी चार्जेस के अंदर आ जाते हैं, जो है 60,000 रुपीज। और कंपनी की तरफ से जो ट्रेनिंग आपको और आपके मैन पावर को दी जाती है और टाइमली जो ऑडिट्स होते हैं कंपनी की तरफ से उसके चार्जेस होते हैं 75,000 रुपीज। और जो इनिशियल स्टॉक, जो मैंने आपको बताया था कि आपको इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में ही इनिशियल स्टॉक मिल जाता है, और इस स्टॉक के थ्रू आप अच्छे खासे वॉल्यूम को वेरी गुड नंबर ऑफ सर्विसेज आप प्रोवाइड कर पाए तो उतना इसके अंदर मटेरियल आपको मिल जाता है। तो जो अलग अलग पर्टिकुलर्स है जैसे फ्रेंचाइजी फीस, मशीनरीज, मार्केटिंग चार्जेस, तो सबका इन्वेस्टमेंट जो होता है टोटल चार्जेस और फीस मिला के वो होता है 7 लाख रुपीज। अगर हम लोग आरओआई की बात करें कि डिटेलिंग स्टूडियो के साथ जुड़ने के बाद आपको क्या आरओआई टेंटेटिव मिल जाती है, तो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर जो टेबल देख रहे हैं उसके अंदर आप पर्टिकुलर्स देख रहे होंगे जो हमारी सर्विसेज हम हमारे कस्टमर्स को देते हैं। तो वो सर्विसेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कार वॉशिंग है, इंटीरियर क्लीनिंग है, टेफ्रॉन कोटिंग है, तो ये हमारी सर्विसेज है जो हम हमारे कस्टमर्स को देते हैं। साथ ही साथ उसके जो एवरेज चार्जेस है, जैसे कार वॉशिंग के एवरेज चार्ज होता है 300 रुपीज, इंटीरियर क्लीनिंग का एवरेज चार्ज है 1250, उसी तरह से अलग अलग एवरेज चार्जेस यहाँ पे लिखे हैं। और एक मंथली एजम्पशन है यहाँ पे कि आप अगर स्पीड रिटेलर के साथ जुड़ते हैं तो मंथली आप एक टेंटेटिव या कंजर्वेटिव क्या नंबर अचीव कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। तो जैसे कार वॉशिंग के 90 कस्टमर्स आप इजीली एक्वायर कर सकते हैं, इंटीरियर क्लीनिंग के 20 कस्टमर्स इजीली एक्वायर कर सकते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग के 10 कस्टमर्स, सीरामिक कोटिंग के 7 कस्टमर्स, तो अलग अलग सर्विसेज के अलग अलग नंबर्स ऑफ कस्टमर्स रहते हैं, डिपेंड करता है सर्विस के ऊपर। तो उसका मंथली बिलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 27,000 रुपीज आप अगर 90 व्हीकल सर्विस कर सॉरी 90 व्हीकल को वॉशिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो 27,000 रुपीज आपका कार वॉशिंग से आप जनरेट कर सकते हैं। 20 कस्टमर्स को अगर आप इंटीरियर कंडीशनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो 25,000 रुपीज आप मंथली इजीली अर्न कर सकते हैं। 10 कस्टमर को भी अगर आप टेफ्रॉन कोटिंग ऑफर करते हैं तो 35,000 रुपीज आप इजीली अर्न कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज देख के आप 1,73,000 रुपीज तक का मंथली बिलिंग अचीव कर सकते हैं, और ये भी विथ वेरी कंजर्वेटिव नंबर्स। अगर मैं नंबर ऑफ सर्विसेज की बात करूं तो आप कितने कस्टमर्स को सर्विसेज देके इजीली इतना जो है वो रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, तो ओनली एंड ओनली 148 to 150 कस्टमर्स, दैट्स ऑल। इतने भी कस्टमर्स को अगर आप सर्विसेज देंगे अकॉर्डिंग टू अवर एजम्पशन तो आप 1,73,000 रुपीज की इजीली रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग मटेरियल कॉस्ट देखें कि ये जो सर्विसेज है 148 to 150 कस्टमर्स को अगर आप इतनी सर्विसेज देना चाहते हैं तो 41,000 रुपीज का आपका मटेरियल यूटिलाइज होता है, राइट? तो जो मटेरियल की कंजम्पशन कॉस्ट है वो है 41,000 रुपीज। तो जो ग्रॉस रेवेन्यू हमें मिल जाती है बिलिंग के अंदर से अगर हम लोग मटेरियल कॉस्ट निकाल दें तो 1,30,000, 1,35,000 तक की आप ग्रॉस रेवेन्यू इजीली आप जनरेट कर सकते हैं विथ गिविंग 148 to 158 150 कस्टमर्स सर्विसेज, राइट? अगर मंथली एक्सपेंडिचर की हम लोग बात करें कि कितना एक्सपेंडिचर आपका होगा एक डिटेलिंग स्टूडियो चलाने के लिए, कितना एक्सपेंस आपको बेयर करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे, तो रेंट की अगर हम लोग बात करें तो 500 to 600 स्क्वायर फुट की मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो 30,000 रुपीज हमने एवरेज रेंट यहाँ पे कंसिडर किया है, सैलरी हमने यहाँ पे कंसिडर की है 25,000 रुपीज, ये भी एक एवरेज निकाला है हमने अक्रॉस इंडिया। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, फ्यूअल क्या जो है वो एक्सपेंस आ जाता है, साथ ही साथ
कस्टमर रिफ्रेशमेंट चार्जेस, इंसेंटिव्स वगैरह सब मिला के 10,000 रुपीज आपका एक्सपेंस हो जाता है मंथली बेसिस पे। सो 65,000 रुपीज का आपका मंथली एक्सपेंडिचर होता है स्पीड रिटेलर का जो स्टूडियो है उसको रन करने के लिए। तो जो हमारी ग्रॉस रेवेन्यू होती थी आफ्टर डिडक्टिंग मटेरियल कॉस्ट वो है 1,30,000, 1,35,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, और हमारा एवरेज कॉस्ट है 65,000 रुपीज एक्सपेंडिचर का। सो एक्सपेंडिचर मंथली निकालने के बाद भी आप इजीली 65,000 to 70,000 रुपीज आप अर्न कर सकते हैं एक बहुत ही छोटे नंबर को सर्विसेज देके, राइट। और ये जो नंबर हमने यहाँ पे कंसीडर किया वो बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर हमने कंसीडर किए हुए हैं। तो आप 60 to 70,000 रुपीज का मंथली इनकम नेट प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग की बात करें हम लोग, ये स्पीड रिटेलर्स के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है जो आपको सबमिट करना रहता है कंपनी के अंदर, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको 1 लाख रुपीज जो हमारी टोकन अमाउंट जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो टोकन अमाउंट आपको पे करना रहता है। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं आपका टोकन कंफर्म होता है, एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो जनरेट होता है। लेटर ऑफ इंटेंट जनरेट हो जाने के बाद लोकेशन का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। लोकेशन के अंदर भी कंपनी की तरफ से आपको 100% गाइडेंस दिया जाता है उसके सर्वे करने के अंदर, उसको ढूंढने के अंदर, उसको फाइनलाइज करने के अंदर। तो जैसे ही लोकेशन आपका अप्रूव होता है नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसी लोकेशन के अंदर जो बेसिक साइट वर्क करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है वो इसके अंदर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के अंदर अगर हम लोग देखें तो जैसे कलर वर्क है, प्लम्बिंग वर्क है, लाइटनिंग वर्क है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितना भी काम है वो आपको कंपनी के गाइडेंस के हिसाब से करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से लेआउट वगैरह जो प्रोवाइड किया जाता है उसी अकॉर्डिंग आपको करवाना रहता है। उसके बाद फ्रेंचाइजी ओनर की ट्रेनिंग कंसीडर जो है वो होती है। फ्रेंचाइजी ओनर की ट्रेनिंग के अंदर पूरे 3 से 4 दिन का ये सेशन रहता है जहाँ पे आपको बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस एथिक्स, ऑपरेशनल कैसे इसको आपको बढ़ाना है, कैसे कस्टमर को एक्वायर करना है, कस्टमर को प्रोवाइड कैसे करनी है सर्विसेज, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद एक फाइनल पेमेंट होता है। फाइनल पेमेंट जैसे ही आपका कंफर्म होता है कंपनी की तरफ से जितने भी टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज और जितना भी मटेरियल और जो मशीनरीज है वो आपके प्रीमाइसिस तक डिलीवर किए जाते हैं और उसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। पैरेलली हम लोग मैन पावर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की प्रोसेस करते हैं। तो मैन पावर रिक्रूटमेंट के अंदर भी कंपनी की तरफ से आपको 100% सपोर्ट दिया जाता है, कैसे मैन पावर हायर करना है, कहाँ से हायर करना है, सैलरी कितना देना है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ कंपनी की तरफ से ये सपोर्ट दिया जाता है। और जैसे ही मैन पावर रिक्रूट होता है कंपनी की तरफ से, कंपनी के सपोर्ट से उसकी ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, और ये जो ट्रेनिंग है ये ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है। जैसे ही आपके मैकेनिक की ऑन जॉब ट्रेनिंग कंफर्म होती है प्रमोशनल एक्टिविटीज और इनोग्रेशन की एक्टिविटी दोनों पैरेलली चलती है। तो प्रमोशनल एक्टिविटीज के अंदर हम लोग एंश्योर करते हैं कि जो प्रमोशन हो रहा है आपके डिटेलिंग स्टूडियो के अंदर उसमें पहले ही दिन से हम आपको बिजनेस देना हमारा ट्राई रहता है। और कहीं ना कहीं कई सारे फ्रेंचाइजीज है जहाँ पे हमने पहले ही दिन से बिजनेस देना स्टार्ट किया है, राइट। जैसे ही आपकी प्रमोशनल एक्टिविटीज और इनोग्रेशन कंप्लीट हो जाती है प्रोसेस आप सक्सेसफुली जुड़ जाते हैं स्पीड रिटेलर्स के साथ एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर। सो ये पूरा प्रोसेस था ऑनबोर्डिंग का कि आप अगर स्पीड रिटेलर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सो ऑलमोस्ट वी आर कंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान कोई भी क्वेरी या डाउट हुआ है तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अभी हम लोग ओपन है, और अगर इसके ऊपर आप और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है 9925333993 इस नंबर के ऊपर भी कांटेक्ट करके आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट अशोक जी कि हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ओपन है, तो किसी भी अगर पार्टिसिपेंट की क्वेरी है तो हम लोग उनकी क्वेरी यहाँ पे ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, अभी हमने स्पीड डिटेलर्स का पूरा बिजनेस मॉडल देखा एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। सो डियर पार्टिसिपेंट्स